हाय गाइस, मैं नमन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप माइक्रोमैक्स Q4311 मॉडल का FRP अनलॉक कैसे कर सकते हैं मिरेकल बॉक्स से। अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहां पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, यहां पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ इस घंटे को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नई वीडियो की जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं मिरेकल बॉक्स हमने ओपन कर लिया। दोस्तों, हम लोग अक्सर करते क्या है कि किसी भी मीडियाटेक का जो सीपीयू होता है जिससे एंड्रॉइड फ़ोन में, उसमें हम क्या करते हैं कि क्लियर सेटिंग FRP पे जाते हैं और जो है यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करके उसका FRP अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस मॉडल में जो है, आप इस तरह से अगर FRP अनलॉक करेंगे तो आपका जो है ये मॉडल जो है आपका FRP अनलॉक नहीं होगा। माइक्रोमैक्स Q4311 ये मॉडल जो है इस तरीके से आपका जो FRP अनलॉक नहीं होगा। इसके लिए आपको करना क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्विस, जो यहाँ सर्विस पे ही आपको यहाँ पे रहना है। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे बूट नंबर सेलेक्ट करना है 8, ठीक है। बूट नंबर 8 जब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको दूसरे नंबर पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है मेथड मोबाइल कंपनी, आपको सेलेक्ट करना है कि आपका मोबाइल किस कंपनी का। तो आपका मोबाइल अगर माइक्रोमैक्स कंपनी का है तो माइक्रोमैक्स का आप यहाँ पे MMX यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे आपको ये सेलेक्ट करना होगा। जब इसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे जो है आपको FRP अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मेट पर क्लिक करना होगा। फॉर्मेट पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे सेफ मोड का चेक आपको हटाना होगा और यहाँ पे सेफ मोड का जब चेक हटाएंगे, आप यहाँ पे ऑटो पे चेक लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे एडवांस FRP पर आपको चेक लगाना होगा, ठीक है। और जैसे एडवांस FRP पर आप चेक लगाएंगे, उसके बाद स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और आपको उसकी यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा ये आपको फ्लैश फाइल सेव करने के लिए कह रहा है कि अगर आप इसका बैकअप लेना चाहते हैं या नहीं। अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। और जैसे नो करेंगे तो उसके बाद आपको अपने मोबाइल को जो यहाँ पे बूट कराना होगा। तो मोबाइल को जब आप बूट कराएंगे तो MediaTek का CPU का जो बूट कराने का तरीका आपको पता ही है कि कैसे बूट कराते हैं। मोबाइल को ऑफ कर देना है, डाटा केबल जो है डायरेक्ट लगाना है और आपका मोबाइल बूट करेगा। और जब आपका मोबाइल बूट करेगा उसके बाद इस तरह से आपका जो FRP यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये डेमो जो है मिरेकल टीम की ओर से था और ये डेमो मैंने आपको दिखाया कि इस तरीके से जो आप में जो माइक्रोमैक्स Q4311 का FRP अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको किसी काम है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।